सतनाम श्री हरवाहि गुरु सतनाम श्री हरवाहे गुरु बोल गुरु नानक देव साहेब की जय बोल बाबा रामदास साहेब की जय बोल साईं संजय देव साहेब की जय मुझे रोहिणी वाले राम की जय निज वैकुंठ धाम की जय आज के आनंद की जय आयो लाल सभी चो झूले लाल जय श्री राम। प्यारी सात संगत जी आप सभी जो इस वक्त दरबार साहब में हाजिर हैं और वो सारी संगत जो इस वक्त ऑनलाइन हमारे साथ जुड़ी है आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भी। आज बड़ा पावन दिन है सारे सुख परिवार के लिए आज सुख एतवार भी है और आज के दिन से हम एक नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी की आस्था की बात। मुझे पता है आप सब लोग बहुत ही उत्सुकता से इसका इंतजार कर रहे हैं और इंतजार मुझे भी था कि कब मुझे ये अवसर मिले। तो आज सारे गुरु साहिबान जी का जो ज्योति स्वरूप है उनका बहुत बहुत लख लख शुक्राना कि उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। बाबा सुखराम दास साहिब जी का शुक्राना शत शत नमन कि उन्होंने भी आशीर्वाद दिया कि इस राह पे आगे बढ़ा जाए। साईं जी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मार्गदर्शन दिया कि इस यात्रा की शुरुआत हो और उस परवरदिगार का भी बहुत बहुत शुक्राना। सबका शुक्राना करने के बाद एक आशीर्वाद लेकर आज का ये सफर शुरू करते हैं। आशा की वार आशा की बार या आशा की बार जब भी हम गुटके हाथ में लेते हैं पाठ करने के लिए तो उस पे मोस्टली सब पे लिखा होता है आशा की बार। लेकिन अगर हम गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी के से संदर्भ लें तो गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में लिखा है उनकी जब हम इंडेक्स सूची देखते हैं
तो उसमें लिखा है आशा की वार। आशा की वार या आशा दी वार। अब एक बहुत बड़ा फर्क वो मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन लगभग बात एक ही सी है। जब हम कहते हैं ये इनादी किताब है या ये इनकी किताब है, तो की और दी एक ही बात है। लेकिन जब आशा की वार गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में इसका उच्चारण है, तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो वार है, ये जो रचना है, ये आशा की रचना है, ये आशा की रचना है। इसलिए ये आशा की वार है, आशा की वार है। वार क्या होती है ये भी समझना बहुत जरूरी है। अगर हम इसको हम यूं भी समझ सकते हैं, अगर हम इसे बहुत सरल अर्थों में समझना चाहें, जो हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में समझना चाहें, कि वार जो वो रचना है जो वारी जाती है, बलिहारी जाती है। आज जब हम किसी की तारीफ करनी होती है या हमें जब कोई बहुत अच्छा लगता है, तो हम बलैया लेते हैं, वार लेते हैं, उसके ऊपर वारी वारी जाते हैं, कहते हैं। तो इसी तरह से अगर किसी शूरवीर की, किसी महापुरुष की जब बड़ाई करने जाते हैं, जब बड़ाई करने जाते हैं, तो वो जो रचना होती है उसको वार कहा जाता है। अब इसको विस्तार से समझने के लिए ये भी जानना जरूरी है कि असराज की वार या आशा की वार क्यों कहा जाता है, इसके पीछे की कथा क्या है। कथा हम पहले सुनेंगे और उसके बाद हमें समझ में आएगा कि अच्छा ये वार क्या होती है। कथा कुछ यूं है कि एक राज्य में सारंग राजा राज्य करता था। उसका एक पुत्र था राजकुमार असराज। असराज जब थोड़े बड़े हुए तो उनकी माता जी की मृत्यु हो गई, तो राजा सारंग ने दूसरा विवाह कर लिया। दूसरा विवाह जब किया, सौतेली माँ आई, तो वो अपने सौतेले पुत्र पर मोहित हो गई, आसक्त हो गई। लेकिन राजकुमार असराज ने अपना कर्तव्य नहीं छोड़ा, अपनी राह से डिगे नहीं। माता के प्रति अपना कर्तव्य, पिता के प्रति अपना कर्तव्य वो निभाते रहे। ये देखकर उस स्त्री को बड़ी जलन हुई, बहुत गुस्सा हुई, और उस कुड़हन के मारे उसने उसके पिता यानी राजा सारंग के कान भर दिए। जब कान भर दिए तो राजा सारंग ने राजकुमार असराज को मृत्यु दंड दे दिया। उनका एक मंत्री था जो सब जानता था, समझता था, तो उसने राजा को मनाया कि इसको मृत्यु दंड नहीं देते हैं, हाथ काटकर बाहर निकाल देते हैं। तो राजा सारंग ने कहा ठीक है, तो असराज का एक हाथ काटकर उसे राज्य से बाहर निकाल दिया गया। राज्य से बाहर निकाला और एक कुएं के पास छोड़ दिया। वहां से बंजारों का एक ग्रुप निकल रहा था। जब उन बंजारों ने इस बालक की दुर्दशा देखी जो कुएं के पास पड़ा इस अवस्था में एक हाथ कटा हुआ, तो उनको बड़ा तरस आया। उन्होंने असराज को अपने साथ लिया और दूसरे राज्य की तरफ निकल गए। बंजारों का तो काम ही यही होता है, जगह जगह घूमते रहना। दूसरे राज्य में निकलकर उन्होंने असराज को, टुंडे असराज को, एक धोबी को बेच दिया। अब असराज धोबी के पास रहता, उसकी सेवा करता, उसका काम करता। भाग्य ने पलटा खाया, उस राज्य का राजा की अचानक मृत्यु हो गई। तो जितने भी वहां पे मंत्री थे उन्होंने मिलकर ये तय किया कि अगली सुबह जो भी व्यक्ति राज्य का जो मुख्य दरवाजा था उसके सामने मिलेगा उसको राजा बना दिया जाएगा। भाग्य की लेखा देखो किस तरह से अपना खेल खेलता है। इधर उस धोबी का गधा खो गया, तो गधे को ढूंढते ढूंढते असराज सुबह सुबह राज्य के दरवाजे पर पहुंच गए। कुंडा खटखटाया, जब कुंडा दरवाजा खुला
लोगों ने उसे देखा तो उसे उठा के राजा बना दिया। अब राज परिवार से जुड़े रहने के वजह से असराज को राजकाज संभालने में कोई दिक्कत नहीं हुई और बड़ी ही खूबसूरती से, बड़ी ही समझदारी से असराज ने उस नए राज्य का कार्यभार संभाल लिया। समाज सेवा के बड़े कार्य किए, जनता के लिए बहुत काम किया। कुछ समय बीतने के बाद वहां पर अकाल पड़ा। सारे और जितने भी राज्य थे उनमें खाने पीने के लाले पड़ गए, पानी के, खेती सूख गई, खाने के लिए अनाज नहीं था। लेकिन ऐसी बदहाली असराज के राज्य में नहीं थी। अच्छी खासी फसल हो रही थी, नदियां बह रही थी, खूब हरियाली हो रखी थी। तो वहां पे जो अक्सर राज दरबारों में चारण और भाट हुआ करते थे, तो जो राजा के गुणगान गाया करते थे लोकगीतों के माध्यम से, तो वहां के जो चारण भाट थे वो इस तरह की रचनाओं में असराज राजे की बड़ाई करते थे, दूसरे कस्बों में जाते थे, राज्य में जाते थे और अपने राजा की महिमा का गुणगान करते थे। करते करते ये बात जब बाकी राज्यों में पता चली कि इस राज्य में अच्छा खासा धन धान्य है, तो वहां पे वो अनाज लेने के लिए जाने लगे। टुंडे असराज का राज्य और फलने फूलने लगा। चारण भाट जब और राज्यों में गए तो इसके पिता के राज्य में भी गए। वहां पे जब उन्होंने सुना तो वहां का एक मंत्री असराज के राज्य में आया। मंत्री को देखकर राजा असराज ने उसे पहचान लिया, दोनों प्रसन्नता से मिले। तो असराज ने अपने पिता के राज्य के लिए खूब सारा धन धान्य और अनाज भेंट कर दिया। वो मंत्री खुश होकर जब राजा सारंग के पास यानी असराज के पिता के पास पहुंचा, उनको सारी बात बताई और ये कहा कि अब आप वृद्ध हो चुके हैं, अपना राजपाट भी असराज को ही सौंपें। तो राजा सारंग ने अपना राजपाट भी असराज को सौंप दिया। अब असराज की महिमा, उनका गुणगान करते हुए लोग नहीं थकते थे और वहां पे जो ढाडी होते थे वो सारंग और ढाडियां लेकर अपने शूरवीर और प्रतापी राजा के गुणगान करने के लिए जगह जगह घूमते थे और ये सारे गाने लोक गीतों के रूप में माध्यम से प्रचलित होते थे। जिस जमाने की मैं बात कर रही हूं उस जमाने में फिल्में नहीं होती थी, तो इसलिए गाने के लिए क्या था, लोकगीत थे। हर एक अवसर के लिए लोकगीत हुआ करते थे। तो इसी तरह कवियों की रचनाएं जो थी वो लोकगीतों के माध्यम से शूरवीरों और प्रतापी राजाओं की कहानियां, उनका गुणगान किया करती थी और उनकी अपनी एक अलग ही धुन हुआ करती थी। अब अगर ये जो धुनें थी इनके बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि अरे हाँ, ये तो हमने भी सुना है। अगर हम बहुत पहले से शुरू करें, श्री राम के राम राज्य से शुरू करें, तो लव कुश जब इस तरह के गीत गाते हुए श्री रामचंद्र जी के दरबार में पहुंचे थे, वो गीत आपने आजकल के जमाने के सीरियल रामायण में भी सुना होगा। सुना है कि किस तरह से वो लव कुश, जिनका परिचय नहीं था श्री रामचंद्र जी को, और वो श्री रामचंद्र जी के दरबार में बैठ के उनके गुणगान गा रहे थे। हम कथा सुना थे राम राम सकल गुण धाम की, ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की, बच्चों बच्चों को याद है कि नहीं, कितने शौक से सब गाते हैं। तो इसी तरह की कविताएं उस जमाने में हुआ करती थी। श्री रामचंद्र जी के बाद और भी कई कवियों ने लिखी, लेकिन मैं उनका उदाहरण आपको दूंगी जो शायद आपको भी याद हो। 11वीं शताब्दी के आसपास आल्हा उदल करके दो बहुत ही शूरवीर भाई थे। कहते हैं कि आल्हा की तलवार भी 15 किलो की थी। 15 किलो की तलवार, तो उनका जब वो युद्ध में जाते होंगे तो क्या उनका डील डॉल होगा, क्या उनकी वीरता होगी? और उनकी वीरता के ऐसे किस्से आल्हा के माध्यम से, आल्हा एक लोक गीतों की विधि है, विधान है, उसके माध्यम से ये जन जन में प्रचलित थी। तो जो पहला महाकाव्य हिंदी में लिखा गया था आल्हा खंड,
वो आल्हा के वीरता के ऊपर लिखा गया था। दूसरा पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज चौहान की जब हम बात करते हैं तो उनके मित्र और कवि चंद वरदाई ने जो पंक्तियां लिखी थी पृथ्वीराज रासों में, वो कहानी, वो पंक्तियां बच्चों बच्चों को याद है। चार बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूको चौहान। याद है कि नहीं याद? कितना जोश आता है ये रचनाएं सुनकर। इसी तरह उसके बाद की अगर हम बात करें तो कवि प्रदीप ने बड़े सारे ऐसे गीत लिखे जो फिल्मों के माध्यम से बच्चों तक पहुंचे, लेकिन वो गीत आज भी अगर हम सुनते हैं तो हमारे शरीर में जोश पैदा होता है। जैसे आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी को तिलक करो ये मिट्टी हिंदुस्तान की, फिर दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल, हम लाए हैं तूफान से कश्ती निकाल के। याद है आप सबको? कितना जोश, कितना गर्व, कितनी वीरता का एहसास होता है इस तरह के गीत सुनकर। और अगर हम आगे बढ़ें तो अगर आपको याद होगा तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मी बाई के ऊपर ऐसी ही एक वीरता भरी कविता लिखी थी। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। बच्चों बच्चों को याद है। मैं सोच रही हूं कि इसकी एक धुन आपको सुनाऊं, गोविंद वो धुन हो जाए। थोड़ा ऑडियो लाउड करना, मजा तब आएगा। ये वो धुनें हैं जो लोकगीतों के माध्यम से जन जन तक पहुंचा करती थी। चलो मैं ही ट्राई करती हूं, अगर मैं ये आपको सुना सकूं और आप मुझे बताएं कि ये आप तक पहुंच रही है या नहीं। कैसी लगी आपको ये धुन? तो इसी तरह के धुनों में पिरोकर इस तरह की रचनाएं जन जन तक पहुंचाई जाती थी। तो इसी तरह की रचनाएं जो थी वो धुनों में पिरोकर जन जन तक पहुंचाई जाती थी। ये जो रचनाएं हैं जोश भरने के लिए, वीरता भरने के लिए और अपने राष्ट्र के प्रति गर्व महसूस करने के लिए, ये कोई नई बात नहीं है। और इन्हीं रचनाओं की वजह से जब लोगों में जोश आता था तो एक किसान भी अपने हाथ में तलवार लेके युद्ध के लिए निकल जाता था। जब कहते थे कि हजारों की संख्या में उनकी सेना है तो कुम्हार हो या लकड़हारा हो या किसान हो, इस तरह के गीतों को सुनकर
वीरता से भरकर युद्ध के मैदान में चले जाया करते थे और रानियां भी इसी तरह के जोश भरे लोकगीतों को सुनकर जौहर के कुंड में भी कूद जाया करती थी। राष्ट्र प्रेम, स्वाभिमान, ये इसका मुख्य उद्देश्य। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो धुन है जो उस वक्त बहुत प्रचलित थी, आशा की धुन, इसका गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी से संबंध क्या है? कहां ये वीरता भरने वाली, जोश भरने वाली, गर्व महसूस कराने वाली कि सुनकर इंसान में वो भक्ति, वो प्रेम, वो दृढ़ता आ जाए? गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी हमें प्रेम सिखाती है, भक्ति सिखाती है, समर्पण सिखाती है, सत्य पर चलने की शक्ति देती है, उसकी समझ देती है। और कहां असराजे की धुन जो मन में जोश भर दे? दोनों ही विपरीत भाव हैं। उन विपरीत भावों को साथ में लेकर वाणी में संकलित करने का कोई तो उद्देश्य होगा। सबसे बड़ा उद्देश्य यह है, गुरु नानक देव साहिब जी ने जब वार की रचना की तो पौड़ियों में वार की रचना की थी। जब हम गुरु नानक देव साहिब जी की ही रचनाओं की बात करते हैं तो मूल रूप से जो उनकी रचना है वार, वो पौड़ियों में है। लेकिन जब गुरु अर्जन देव साहिब जी ने इसको आशा की वार का स्वरूप दिया तो उसमें गुरु नानक देव साहिब जी, गुरु अंगद देव साहिब जी के श्लोक भी जोड़े और इनको जोड़कर गुरु रामदास साहिब जी के छंद के साथ के तैयार किया आशा की वार। जहां एक तरफ टुंडे असराजे की धुनी जो है जिसमें लोकगीत प्रचलित हुआ करते थे, उसका उद्देश्य था जोश भरना, वीरता भरना, दृढ़ता भरना और ऐसे भाव पैदा करना कि जो कार्य आपके समक्ष है उसको ना करने का कोई बहाना भी आपके मन में ना आए, आप अपने लक्ष्य के तरफ फोकस रहे, अपने राष्ट्र के प्रति, अपने देश के प्रति, अपनी आन के प्रति। लेकिन गुरु नानक देव साहिब जी ने ये जितने भी भाव हैं इनको देश में ना सीमित करके, राष्ट्र में ना सीमित करके इस उद्देश्य को और आगे बढ़ाया है, प्रभु तक लेकर गए हैं। और प्रभु तक लेकर जाने का जो उनका उद्देश्य है, वो चाहते हैं कि आप उसी दृढ़ता के साथ, उसी जोश के साथ, उसी भक्ति के साथ आप उस प्रभु को याद करें, उनका गुणगान करें, इसलिए वार लिखी गई। अब ये सोचेंगे कि कहां भक्ति और कहां वीरता, कहां दृढ़ता। हमारे हिंदी शास्त्रों में एक सेइंग है, एक कथन है, धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी धर्म की रक्षा करने वाले की धर्म रक्षा करता है। धर्म की रक्षा कैसे, ये बहुत समझने की बात है। धर्म की रक्षा कैसे, अगर हम राष्ट्र की बात करते हैं तो राष्ट्र के प्रति हमारा धर्म क्या है? अगर हम अपने परिवार के प्रति देखते हैं तो परिवार के प्रति हमारा धर्म क्या है? पिता के प्रति हमारा धर्म क्या है? माता के प्रति हमारा धर्म क्या है? ये वो सारे धर्म है जो हम यहाँ निभाते हैं। हम किसी जो है वो धार्मिक अनुष्ठानों की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, हम उस धर्म की बात कर रहे हैं जो शाश्वत सत्य है। धर्म के प्रति जो राष्ट्र के प्रति जो आपका धर्म है वो एक शाश्वत सत्य है। वो भाव आपके अंदर होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति गर्व, अपने राष्ट्र के प्रति एक वीरता वाला एहसास होना चाहिए और उससे लगाव होना चाहिए, उसके प्रति लगन होनी चाहिए। मानते हैं कि नहीं?
तो ये जो भाव है, इसी भाव के साथ जब इन वारों को जोड़ा गया, ताकि आप उसी प्रेम, उसी भक्ति के साथ, उसी दृढ़ता के साथ अपने धर्म पे टिके रहे। किस धर्म पे? जिस धर्म पे चलने की सिख्या, आज्ञा उस परम पिता ने दी है, उस अकाल पुरख ने दी है। धर्म के प्रति अपनी दृढ़ता आप रखेंगे, उसके प्रति फोकस आप रखेंगे, उसके प्रति प्रेम रखेंगे, उसके प्रति समर्पण रखेंगे, धर्म के प्रति, वो धर्म जो उसके प्रति आपकी है, उस धर्म पे दृढ़ होने के लिए, जोश भरने के लिए, ताकि आपके अपने लक्ष्य से इधर उधर ना हो। इस पौड़ियों की जो रचना है उसको असराजी की धुनी में पिरोया गया है। इसीलिए जब हम जपजी साहब का पाठ करते हैं तो सुबह बैठ के हम अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन जब आशा की वार का पाठ करना होता है तो सारी संगत के साथ बैठ के किया जाता है, अकेले नहीं किया जाता, ताकि वो जोश सारी संगत में भी आए कि आज का दिन, और ये इसीलिए सवेरे पाठ किया जाता है कि आज का पूरा दिन हम उसी शिद्दत के साथ, हम उसी दृढ़ता के साथ, हम उसी समर्पण भाव के साथ अपना दिन बिताएंगे, धर्म पे अडिग रहेंगे, अपने धर्म का पालन करेंगे। और यहाँ पे जिस धर्म की बात हो रही है वो सत्य का धर्म है। आपको मनसा वाचा कर्मणा के धर्म पर चलते हुए उस प्रभु परमात्मा का नाम जपना है और अपना प्रेम दिखाना है और उसके प्रति समर्पित रहना है। ये मुख्य भाव है आशा की वार का। हमारी जो बहुत सारे सेवाधारी हैं जो सुबह का पाठ करते हैं आशा की वार के, वो कहते हैं कि जब सुनते हैं तो बड़ा आनंद आता है, जोश भर जाता है एकदम। सही अवतर? तो बस इसी जोश को बनाए रखना है, और ये जोश तभी बन पाएगा जब हमें समझ में आए कि आशा की वार में गुरु साहब ने उच्चारण क्या किया है, उसका भाव क्या है, उसका अर्थ क्या है। तभी तो वो वीरता का भाव हमारे अंदर आएगा, दृढ़ता का भाव हमारे अंदर आएगा। तो बस इसी सफर की शुरुआत हमें करनी है, और आज का ये जो हमने सत्र लिया है ये आशा की वार का इंट्रोडक्शन कहा जाएगा, ताकि आपको समझ में आए कि किस भाव के साथ हमें बैठना है और सुनना है कि आशा की वार में क्या भाव समाहित है और उसका अर्थ क्या है। आशा की वार, इसकी जो संरचना है उसके बारे में थोड़ा तो मैं पहले ही बता चुकी हूं, और मैं आपको बता दूं कि जो जब आप श्लोक और पौड़ियों पे नजर डालेंगे तो श्लोक का भाव कुछ और है और पौड़ियों का भाव कुछ और है, लेकिन इनको समाहित करने का, गुरु अर्जन देव साहिब जी का जो उद्देश्य था वो ये था कि सांझा उपदेश जो है वो जाए। अगर आपको लड़ीवार समझना है तो आप पौड़ियों का अर्थ समझना शुरू करें, और अगर आपको सांझा भाव समझना है, सांझा उपदेश समझना है, तो श्लोकों के साथ करें। और कितनी सुंदर बात है कि इनको प्रस्तुत करने के लिए गुरु अर्जन देव साहिब जी ने गुरु रामदास जी के भी 24 छंद से इसको प्रस्तुत किया है। हर एक पौड़ी से पहले श्लोक और श्लोकों से पहले एक छंद, बड़ी ही प्यारी रचना है। इसका जो प्रस्तुतिकरण है वो भी इतना मनमोहक है, और इसके अंदर सिर्फ भाव भक्ति का ही नहीं है, समाज सुधार का भी है। अगर इसमें मुसलमानों के बारे में बात कही है तो हिंदुओं के जनों के बारे में भी बात कही गई, गोबर लीपने की भी बात कही गई है, और वो सारे जितने भी धार्मिक कर्म कांड होते हैं उनके बारे में भी बात कही गई है। लेकिन वो कह के जो पौड़ी का भाव है उससे जोड़ते हुए वो जो एक पद बनाया है वो उसका पूरा मुख्य भाव वो आता है। इसलिए हम हर बार या तो एक सेक्शन या दो सेक्शन लेकर चलेंगे और फिर धीरे धीरे इसका भाव समझेंगे छंद, श्लोक और पौड़ियों के साथ।
आज का ये जो इंट्रोडक्शन है इसको हम यही समाप्त करते हैं, ताकि आप इस भाव को लेकर घर जाएं, एक बार फिर नए नजर से आशा की वार का गुटका अपने हाथ में लेकर उसको पढ़ने की कोशिश करें और इंतजार करें अगले रविवार का, जब हम इस सफर की शुरुआत करेंगे छंद, श्लोक और पौड़ियों के साथ में। लेकिन जाने से पहले एक कथा आपको और सुना दूं, ताकि वो वीरता और दृढ़ता का भाव अपने धर्म के प्रति, अपने कर्तव्य का भाव आपके अंदर अगले रविवार तक भी जा सकते हैं। तो एक कथा के साथ मैं इस सत्र की समाप्ति करूंगी। कथा जो है वो बालक पृथ्वीराज की है। बालक पृथ्वी बहुत ही शूरवीर थे और उनके जो पिता थे वो औरंगजेब के दरबार में दरबारी थे, काम किया करते थे। तो एक बार औरंगजेब ने एक बहुत ही भयानक शेर को पकड़ा और शेर वो जब लेकर आए और उन्होंने अपने प्रांगण में छोड़ा, सब के सब डर गए। तो औरंगजेब ने राजा की तरफ देखा और कहा कि आप लोग तो राजपूत हैं, अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं, कैसे शेर हैं आप? शेर तो ये होता है आपके पास कोई इतना बहादुर शेर, नाम के आगे तो सिंह लगाते हो। उसने कहा क्यों नहीं है, मेरे पास भी ऐसा इससे भयानक शेर है। कहते अच्छा ठीक है, कल अपना शेर लेके आना, देखेंगे। अगला दिन हुआ, राजा ने अपने बेटे पृथ्वी को जो उस वक्त 10 साल के थे उनको लिया और औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, जहां पे एक पिंजड़े में वो भयानक शेर बंधा पड़ा था। तो औरंगजेब ने पूछा, भाई कहां है आपका शेर? तो राजा ने गर्व से कहा, अपने साथ लेकर आया हूं, और अपने बालक की तरफ इशारा किया। 10 साल का बालक और कहां ये भयानक शेर? औरंगजेब मुस्कराया, लगता है आपको अपने बेटे से प्यार नहीं है। तो कहते हैं आप अपना शेर छोड़िए, मैं अपना शेर छोड़ता हूं। तो जब उन्होंने अपना शेर छोड़ा, पिंजरे से बाहर आया दहाड़ता हुआ गुस्से में, तो राजा ने अपने बेटे पृथ्वी को बोला कि जाओ बेटा दिखाओ अपनी वीरता, और आज जो मैंने वचन दिया है औरंगजेब को उस वचन को पूरा करो। पिता के प्रति अपने धर्म को समझते हुए पृथ्वी उस जगह गए जहां पे वो शेर खड़ा था और अपनी तलवार निकाली। नन्ना सा 10 साल का बालक, कितनी बड़ी तलवार होगी उसकी। तलवार जब उसने निकाली तो राजा ने जोर से कहा कि शेर के पास तलवार नहीं है, तुमने तलवार क्यों निकाली? बालक को अपनी गलती समझ में आई, उसने वो तलवार वहीं फेंक दी और निहत्था शेर के पास गया। दोनों में गुत्थम गुत्था हुई और एक पल ये आया थोड़ी देर के बाद, जब बालक पृथ्वी ने उस शेर का जबड़ा अपने हाथों में लिया और उसको चीर कर शेर को 2 भागों में चीर के रख दिया। खून से लथपथ जब पिटा बाहर आया बालक पृथ्वी, जय घोष के नारे रुक नहीं रहे। और उसके बाद ये कथा हमारे पर आज तक कैसे पहुंची, हमारे पास जो आज ये कथा सुन रहे हैं ये इन्हीं लोकगीतों में समाई है। लोकगीत जो वारों के रूप में गांव गांव में प्रचलित है। गांव की बात चली तो जो लोग गांवों में रहते हैं और जो वहां का रहन सहन जानते हैं वो भी इस बात को अच्छी तरह मानेंगे कि उस जमाने में जब और कोई गीत संगीत नहीं हुआ करता था तो लोग चौपाल में बैठते थे और चौपाल में रात में बैठक लगती थी और एक इसी तरह का गायक कस्बे कस्बे घूमने वाला, चारण भाट, वो आते थे और प्रस्तुति करते थे। किसी को याद है? इसी तरह से प्रस्तुत क्या करते थे, मेलों में इस तरह से बड़े आयोजन होते थे। आजकल तो मेले ही बंद हो गए, तो मेलों में इस तरह के गायक आते थे और अपनी प्रस्तुति किया करते थे। मुझे आज भी एक कलाकार याद है जो मध्य प्रदेश की हैं, उनका नाम है तीजन बाई। वो पंडवानी गाती थी, भीलनी थी, लेकिन जिस तरह से वो गाती थी और पूरा महाभारत का वर्णन करती थी वो अनोखा ही अंदाज था। ये जितने भी नाम मैंने लिए हैं, आल्हा उदल हो, पृथ्वी हो और पृथ्वीराज चौहान या तीजन बाई, शुभद्रा कुमारी चौहान,
ये सब घर जाके आप पढ़िएगा जरूर, ये कौन है, तीजन बाई कौन है। तो ये पंडवानी जब महाभारत की कथा ये गा के सुनाती थी, उनकी अपनी एक अलग ही निराली धुन हुआ करती थी। ये धुने जो थी ये पहले किसी राग में बंधी हुई नहीं थी। इन धुनों को रागों में बांधने का श्रेय गुरु अर्जन देव साहिब जी को जाता है, जैसे उन्होंने असराजे की धुनी को राग में परिवर्तित किया। रही बात धुनों की, ये जो गुरु अर्जन देव साहिब ने जितनी भी रचनाएं हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी की, सबको धुनों में पुरवाया है। और जो भी राग गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में समाहित किए गए हैं उनको गुरुमत संगीत कहा जाता है। गुरुमत संगीत में ही आपको असराजे की धुनी मिलेगी, राग आसा मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी। ये गुरुमत संगीत जो शुरू हुआ ये तो 500 वर्ष पुराना है, 5 शताब्दी पुराना है, लेकिन जब ये लिखा गया था, जब इसका प्रचलन हुआ था, तो प्रचलन तो और पहले हुआ होगा, प्रचलन तो और पहले हुआ होगा, तभी तो ये पॉपुलर धुन गुरु अर्जन देव साहिब जी के कानों में पड़ी। तो ये धुनें पहले से ही मौजूद थी, पहले से ही चल रही थी, लेकिन उन धुनों को आज भी याद करना, पढ़ना, समझना, राग के रूप में तरतीबी तरीके से देखना, इसका श्रेय गुरु अर्जन देव साहिब जी को जाता है, जो उन्होंने गुरुमत संगीत के नाम से अपने जितनी भी रचनाएं हैं गुरुओं की उनको समाहित किया है। तो इसी तरह से टुंडे असराजे की धुनी में पिरोई हुई है आसा की वार, गुरु नानक देव साहिब जी की रचना, जो बहुत ही बाकी वाराओं में से बहुत ही पॉपुलर रही है। गुरु ग्रंथ साहिब जी की वाणी में कुल मिलाकर 22 वारें हैं, जिनमें से सबसे जो प्रचलित है और सबसे जो पसंद की जाती है और बड़े ही शौक से पूरी संगत के साथ गाई जाती है, वो है आसा की वार। तो आसा की वार की ये धुन और इसमें पाठ की शुरुआत हम करेंगे अगले रविवार से। तो अगले रविवार का जितना उत्सुकता से हमारी सारी संगत को इंतजार होगा, हमें भी उतनी ही उत्सुकता से इंतजार होगा जब हम उसके अर्थ का सफर शुरू करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सत्र आप सबके लिए, जो इंट्रोडक्शन सत्र था, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग शुरुआत रही होगी, और इस इंटरेस्ट को, इस लाभ को हर रविवार जरूर लेते रहिएगा। आइए जयकारे के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं। बोल गुरु नानक देव साहिब की जय, बोल बाबा सुखराम दास साहिब की जय, बोल साईं संजय देव साहिब की जय, मुंजे रोहड़िए वाले राम की जय, निज वैकुंठ धाम की जय, आयो लाल सभई चौ झूले लाल, जय श्री राम।